दोस्तों, आपने दैनिक भास्कर में 4/1/2023 की ये अपडेट तो देखी होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है वो LLM कोर्स को बंद कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कोर्स क्यों बंद हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, साथ में बात ये भी करेंगे कि कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी प्राइवेट कॉलेज है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एफिलेट है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है उसमें कितनी सारी सीट खाली है BA LLB या फिर आप डिप्लोमा कोई कोर्स करते हैं तो जितनी भी सीट है सबको मिला के टोटल कितनी सीट है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों जो दैनिक भास्कर है उसने प्रिंट किया है और यहाँ पे पब्लिश किया है कि 80 विधि कॉलेजों को अंबेडकर ला यूनिवर्सिटी से मान्यता ने तो भर्तियाँ और ना ही अस्थाई कुलपति मिला। अभी तक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इसका कोई अस्थाई कुलपति नहीं है, ये कुलपति है लेकिन वो अन्य कोई विश्वविद्यालय के वो इनके कुलपति बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एकमात्र सरकारी ला यूनिवर्सिटी ने LLM कोर्स बंद किया, अब सिर्फ मान्यता देने और परीक्षा आयोजित कराने तक सीमित। कहने का तात्पर्य कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो स्टूडेंट कैंपस से मतलब कि मेन विश्वविद्यालय से LLM कोर्स करते हैं 1 साल का और 2 साल का, एक तो एनुअल होता है जो कि 2 साल का कोर्स होता है, एक होता है 1 साल का एक कोर्स होता है LLM का, दोनों की मान्यता सेम है। तो ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि LLM कोर्स को विश्वविद्यालय कैंपस से बंद कर दिया गया है। अब क्या होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है वो सिर्फ जिन कॉलेजों को मान्यता दी है जैसे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, शहीद भगत सिंह है, जयपुर के कुछ कॉलेज हैं या फिर कोटा के कुछ कॉलेज हैं तो उनको मान्यता दी है, तो उनका जो वहाँ पे अगर LLM उन्होंने ले रखा है तो उनका एग्जाम करवाएगा, मतलब कि कॉलेज में LLM की पढ़ाई होगी और परीक्षा आयोजित करवाएगा, बस ये दो ही काम करेगा, एक तो एफिलेशन हो जाएगा और एक एग्जाम करवाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो विश्वविद्यालय है उसके मेन कैंपस से अब LLM कोर्स नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी हम देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि प्रदेश की एकमात्र ला विश्वविद्यालय अब सिर्फ निजी कॉलेजों को मान्यता देने व कॉलेज सॉरी परीक्षा कराने तक सीमित रह गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन नया कोर्स शुरू करने और अपडेट करने की बजाय पुराने को बंद करने में लगा है। ला यूनिवर्सिटी को शुरू करने के साथ ही LLM कोर्स प्रारंभ किया था लेकिन उस एकमात्र कोर्स को बंद कर दिया जिसमें 60 सीट थी। अब LLM के अंदर 60 सीट थी, मैं आपको बता दूं, विधि विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई, अभी तक इसका कोई कुलपति नहीं है। यहाँ पे प्रो शुद्धि राजीव को ही इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है, जो प्रो शुद्धि राजीव जी हैं ये अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तो इनको इनका चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कितनी कितनी सीट है, तो यहाँ पे देखिए जो BA LLB कोर्स है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से 1560 सीटें इसमें है, कॉलेजों की मिला के जितनी सारी कॉलेज हैं सबकी मिला के 1560 सीटें हैं। फिर LLB में 12,780 सीट है, DLL में 370 और DFS में 200 और DCL में 100 प्रदेश स्तर की संख्या है, मतलब कि अपने राजस्थान में जितने भी कॉलेज इससे एफिलेट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो सबका मिला के इतने सारे सीट है वो ही है, बाकी अन्य कोई सीट नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए साथ में लिखा हुआ है कि बगरू के दह मिकला में विश्वविद्यालय का नया भवन तैयार है, नई सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बाद मंत्रियों को मिलने वाले। दोस्तों इसमें इतना कुछ खास नहीं है, हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए भास्कर ने यहाँ पे कुछ बताया कि वह सब कुछ
जो आप जानना चाहते हैं। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना 2019 नवंबर से 2022 में पूर्व सीएम जयपुर जिले के बगरू के दहमिकला में लो यूनिवर्सिटी परिसर का शिलान्यास किया जहां पर 387 करोड़ रुपए की लागत से भवन बनाया गया जाना प्रस्तावित है। प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक, कैंटीन, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवास और कक्ष तैयार हो चुके हैं। प्रदेश के 80 विधि कॉलेजों को मान्यता है। इसमें प्रदेश में 19 सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है। अपने स्टेट के, राजस्थान स्टेट के 19 सरकारी कॉलेज इससे एफिलिएट हैं और 61 निजी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो इससे एफिलिएट हैं। लो यूनिवर्सिटी सरकारी व निजी कॉलेजों में संचालित LLB, LLM और PG डिप्लोमा जैसे नए कोर्सेज और संस्थानों को मान्यता देती है व इनकी परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी है। अब देखिए, यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिम्मेदार बोले बंद कर दिया गया है LLM कोर्स। LLM कोर्स को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, रीजन यही है कि यहाँ पे है वो स्टाफ भी नहीं है, जीरो के बराबर यहाँ पे स्टाफ है, तो फिर LLM कोर्स का क्या फायदा, वहाँ पे स्टडी नहीं होगी। यहाँ पे अभी LLB का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, बस अभी यहाँ पे दो ही काम कराएंगी। जो विश्वविद्यालय इतना बड़ा भवन बना दिया उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। और आपको पता है रिजल्ट आपके आते हैं तो इतने खराब आते हैं, फेल हो जाते हैं। जो लोग वो बोलते हैं कि हमने इतना पढ़ा था फिर भी हमें फेल कर दिया, बैक लगे, सप्लीमेंट, पता नहीं क्या क्या। तो ये इस विश्वविद्यालय का नहीं, वहाँ पे स्टाफ नहीं होने के कारण आपको ये चीज़ें बहन करनी पड़ रही है। और अच्छे खासे पैसे कमा रही है आपसे, 500 रुपये कॉपी की लेती है रिवेल्यूशन के, तो ये चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे वो कोर्स बंद हो गया LLM। अभी विश्वविद्यालय कैंपस से कोई भी स्टूडेंट है वो LLM कोर्स नहीं कर सकता। बाकी आपकी LLB वगैरह वो आपकी जो कॉलेज है उनसे चलती रहेगी और ये परीक्षा आपकी करवाती रहेगी और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये स्टाफ वगैरह नहीं आ जाता। यहाँ पे कुलपति नहीं है, सबसे बड़ी बात है कुलपति नहीं है जो उनको आदेश देता है कि ऐसा ऐसा करो, तो फिर क्या। तो ये अपडेट थी, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, और आप हमें से जुड़िए यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इन पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।